नमस्ते, मैं प्रीति। मेरी रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बूंदी का लड्डू बनाना बता रही हूँ। इसे हम घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और सभी को ये बहुत पसंद आता है। तो आइए देखें, इसके लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। बूंदी का लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 250 ग्राम, 400 ग्राम चीनी, खरबूजे का बीज, 5 से 6 इलायची कुटी हुई, खाने वाला रंग हम बूंदी में डालेंगे, ये हमें यहाँ पर आधा छोटा चम्मच नारंगी कलर का रंग लिया है और लाल रंग लिया है आधा छोटा चम्मच, घी और पानी। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और उसमें बेसन डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका घोल तैयार करेंगे। पानी हम एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो इसमें गुठलियां बन जाती हैं। देखिए, हमने बेसन का घोल तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, इसी तरह का घोल हमें चाहिए और इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। अब इसमें हम कलर मिलाएंगे, फूड कलर। इसे भी हम अच्छे से घोल में मिला लेंगे। देखिए, घोल में कलर अच्छे से मिल गया है। अब इसे हम ढक करके 10 मिनट तक के लिए रख देंगे, जिससे कि ये घोल सेट हो जाएगा। जब तक हमारा बेसन का घोल सेट हो रहा है, तब तक हम खरबूजे के बीज को भून करके तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे और उसे हल्का गरम करेंगे। पैन गरम हो गया है, अब इसमें हम ये बीज डालेंगे और आंच को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम आंच पर इसे हम भून लेंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। इसे हमें बहुत देर तक नहीं भूनना है। इसमें से देखिए चटकने की आवाज आने लगी है और ये फूल गए हैं। कम से कम बस इन्हें 30 सेकेंड या 1 मिनट तक हम इन्हें भूनेंगे। बीज भून करके तैयार हो गए। गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम किसी बर्तन में निकाल लेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, घोल हमारा सेट होकर के तैयार हो गया है। अब हम बूंदी बनाएंगे। बूंदी बनाने के लिए हम इस तरह का झन्ना इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इससे बूंदी बहुत ही अच्छी बनती है। आप चाहें तो इस तरह का बर्तन भी सबके घरों में रहता है, कलछी, इससे भी हम बूंदी बना सकते हैं। अब हम बूंदी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में घी गरम करेंगे। यहाँ मैंने पहले से घी गरम होने के लिए रख दिया था। बूंदी बनाने के लिए हमें घी, बहुत अच्छा गरम घी चाहिए। घी अच्छे से गरम हो गया है कि नहीं, इसके लिए हम थोड़ा सा बैटर घी में डाल करके देख लेते हैं। एक ड्रॉप, ये देखिए वो तुरंत ऊपर आ गया है। इसका मतलब घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। इसे हम निकाल लेंगे। अब हम बूंदी बनाते हैं। झन्ने को हम इस तरह से कढ़ाई पर घी के ऊपर रखेंगे और बैटर को लेंगे। इस तरह से डालेंगे। देखिए, कुछ हमें करना नहीं है, बूंदी अपने आप निकल करके गिर रही है घी में।
इसको हम हटा लेंगे और करछी से इसे हम चला लेंगे। देखिए बूंदी का कलर हमें चेंज नहीं होने देना है, इसलिए इसे हम बहुत ज्यादा नहीं तलेंगे, केवल एक मिनट तक हम इसे चलाते हुए घी में फ्राई कर लेंगे। बूंदी हमारी हो गई है, इन्हें हम निकाल लेते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा ऑयल हम इसका निकाल देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दोबारा बूंदी बनाएंगे। झन्ने को हमने साफ नहीं किया, देखिए फिर से हम उसी को यूज कर रहे हैं और इसमें हम बैटर डालेंगे। बस घी से इसकी दूरी को हम बनाए रखेंगे, इसको घी में टच नहीं होने देंगे। बस हल्का सा हिला करके हम इसे हटा देंगे और फिर कलछी से इसको हम चला लेंगे। बूंदी हमारी फ्राई हो गई है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी भी घोल से हम बूंदी बना करके तैयार कर लेते हैं। देखिए बूंदी बनकर के तैयार हो गई है, अब हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें चीनी डालेंगे, पानी डालेंगे। यहाँ मैंने 400 ग्राम चीनी ली है तो एक ग्लास पानी डाला है। इसे हम गैस पर चीनी घुलने तक पहले पकाएंगे और इसे हम चलाते रहेंगे। देखिए चाशनी में उबाल आ गया है, चीनी एकदम घुल गई है। अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पकने देंगे। इसे हम लगातार चलाते रहेंगे इसमें, तब तक हम इसे पकाएंगे जब तक इसमें एक तार नहीं आ जाता, यानी एक तार की चाशनी हमें तैयार करनी है। चाशनी 2 मिनट तक पक चुकी है, अब इसे हम चेक कर लेंगे। इस तरह से हाथ में लेंगे और ये देखिए इसके तार आने लगा है। चाशनी हमारी तैयार हो गई है, अब हम इसमें बूंदी डालेंगे। जो बीज हमने भून करके रखे थे वो हम इसमें मिला देंगे और इलायची पाउडर। गैस को तेज ही रखेंगे और चाशनी में बूंदी को अच्छे से मिलाएंगे। चाशनी में बूंदी डालने के बाद इसे हम 2 मिनट तक अच्छे से मिलाते रहेंगे और गैस को ऑन रखेंगे जिससे कि चाशनी बूंदी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। गैस को हम बंद कर देंगे, इसे अच्छे से मिलाएंगे फिर से एक बार। अभी इसमें देखिए बहुत चाशनी है, लेकिन अभी हम इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देंगे। बीच बीच से इसे हम पलटते रहेंगे ताकि चाशनी सभी बूंदी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और ये सारी चाशनी इसमें अभी सोक कर लेगी। इस तरह से इसे हम पलटते रहेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है, अब इसे हम ऐसे ही भीगने के लिए छोड़ देंगे। चाशनी में हमने बूंदी को 10 मिनट तक भीगने दिया था। देखिए चाशनी बूंदी में एब्जॉर्ब हो चुकी है अच्छे से, बिल्कुल चाशनी है नहीं इसमें। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे जिससे कि बूंदी ठंडी हो जाए, तो हम लड्डू बनाएंगे फिर इसके। बूंदी अब ठंडी हो गई है, अब हम लड्डू बनाएंगे। इस तरह से
थोड़ी सी बूंदी हाथ में हम लेंगे और दबाएंगे उसे। देखिए आप जितने बड़े साइज के लड्डू चाह रहे हैं उतने बड़े हम लड्डू इसमें बना लेंगे। देखिए इस तरह से हम दूसरा बनाएंगे। और इसी तरह से हम बाकी भी लड्डू बना करके तैयार कर लेते हैं। तो देखिए स्वादिष्ट बूंदी के लड्डू सर्व करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आने वाली रेसिपीज की जानकारी के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिए। थैंक यू।